हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल का नाम है पैशनेबल पूजा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर आई हूँ कानपुर के मेट्रो सिटी में। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा शहर भी कानपुर मेट्रो सिटी हो गया है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं कानपुर के मोती झील स्टेशन पर। हम लोग इसके अंदर जाएंगे और अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा होता है कानपुर में पहला एक्सपीरियंस हमारा मेट्रो का। चलते हैं अंदर। मेरे पीछे है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट परचेज करना होगा। हम आपको अभी इसका पूरा लुक दिखाते हैं। आज यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। मोती झील से टिकट आईआईटी के ले रहे तो आप आईआईटी में ही जाकर एग्जिट करेंगे, मोती झील वापस आकर एग्जिट नहीं कर सकते हैं। ये QR स्कैन करना रहेगा हमें वहाँ जाकर। ये है प्रवेश द्वार। आपको येलो लाइन दिख रही है, इससे आगे नहीं जाना है हम लोगों को। यहाँ पर मेट्रो रेल के कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। अगर इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। This train terminates here. ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मेट्रो में This train terminates here. इसको लेके यहीं अटक जाएगी। आगे नहीं जाएगी। ये है मेट्रो के बाहर का लुक। पर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड पे मिलेगा। Thank you.
प्रदेश मेट्रो टनल बोरिंग मशीन का मॉडल। हमारे जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनके यहाँ पर तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। हम आपको और पास से दिखाते हैं। ये गुरुदेव चौराहा स्टेशन है, ये रावतपुर स्टेशन है, ये LLR हॉस्पिटल स्टेशन है, ये IIT कल्याणपुर स्टेशन है, और इसके बाद कल्याणपुर स्टेशन, और इसके नीचे नाम भी दिया गया है स्टेशन का। कानपुर में मेट्रो कैसे चलेगी उसका पूरा लुक इस मॉडल में दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है कानपुर IIT। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली कानपुर मेट्रो सिटी की जो यात्रा थी, बहुत ही एक्साइटमेंट में रही, बहुत ही एंजॉय किया मैंने इसमें। और आप भी बताइएगा, यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आएंगे एंजॉय करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको सबसे ज्यादा जो भीड़ जहाँ पर मिलेगी आपको, वो मिलेगी टिकट काउंटर में, उसके अलावा कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरा फर्स्ट जो पहली यात्रा थी मेट्रो की, वो बहुत ही अच्छी गई। और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। ठीक है, बाय बाय।